अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम टैक्स फंड के ऊपर काम करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने ऑफिस क्लिपबोर्ड के ऊपर काम किया था, कट कॉपी एंड पेस्ट करना सीखा था। आज के लेसन में हम फंड स्टाइलिंग, फंड फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ। और कोई भी काम करने से पहले आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूं, तो आप यहां से बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। शार्ट कमांड कंट्रोल भी है। इसी से मैं इसको अटैलिक करना चाह रहा हूं, तिरछा करना चाह रहा हूं, कंट्रोल आई प्रेस करें या फिर इसके ऊपर क्लिक करें तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। इसको अंडरलाइन देनी है तो आप क्लिक करें, इस पर अंडरलाइन आ जाएगी। यही तीनों काम आप दोबारा से खत्म करना चाह रहे हो तो आप अंडरलाइन पे क्लिक करें, अंडरलाइन भी खत्म हो जाएगी। आप अटैलिक पे क्लिक करें, बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, और बोल्ड पे क्लिक करें तो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह अंडरलाइन के कुछ और स्टाइल भी होते हैं। आप जस्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जैसे कि मैं रिजल्ट शीट को सिलेक्ट करता हूं, और यहां पे देखें तो अंडरलाइन के काफी सारे स्टाइल हैं। अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन क्लिक करेंगे डबल अंडरलाइन आ जाएगी, और सिंगल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो सिंगल अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन नहीं लानी तो जस्ट क्लिक करेंगे, अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहां से सिलेक्ट करें टेक्स्ट को। आप अपने टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे काफी सारे राइटिंग स्टाइल हैं। देखिए एरियल ब्लैक आ जाता है, एरियल आ जाता है, काफी सारे राइटिंग स्टाइल हैं। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट के राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ज्यादा राइटिंग स्टाइल लाने के लिए आप देखें तो यहाँ पे आपका स्क्रॉलिंग बटन है, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे लेके आए और देखें यहाँ पे काफी सारे राइटिंग स्टाइल हैं। आपको जो भी राइटिंग स्टाइल पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं एरियल पे क्लिक करता हूँ, देखें एरियल इसके ऊपर राइटिंग स्टाइल इसका एरियल आ गया। एरियल नहीं लाना चाह रहे तो आप इसको सिलेक्ट करें और आप नॉर्मल जो भी स्टाइल है आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह इसका जो अपना स्टाइल है वो क्या है जी, कैलिब्री, और इस पर क्लिक करें तो इसका स्टाइल ऐड हो गया। इसी तरह इसका साइज, फंड का साइज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फंड साइज यहां से आप बढ़ा सकते हैं, जितना आप बढ़ाना चाह रहे हैं आप बढ़ा सकते हैं। 72 के बाद फ्रंट फंड साइज देखे नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं 100 करेंगे तो 100 फ्रंट साइज का 100 हो जाएगा। देखिए 100 हो गया। तो आप इस तरह अपने टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करने से आप दोबारा अपनी उसी पोजीशन में वापस आ सकते हैं। हाईलाइट कलर है, इस हाईलाइट को खत्म करना है तो यहाँ पे क्लिक करें और नो फिल पे क्लिक करें, हाईलाइट कलर खत्म हो जाएगा। और टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको ऑटोमेटिक करें, टेक्स्ट का कलर स्टाइल खत्म हो जाएगा, और इसको यहाँ पे क्लिक करें उसका बोल्ड भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे देखें तो स्टाइल, आप यहाँ से भी राइटिंग साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं, फंड साइज जो है। तो फंड साइज बढ़ाने के लिए आप फंड को सिलेक्ट करें और यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज फंड साइज पे क्लिक करें, साइज फंड का साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करेंगे तो ये नॉर्मल डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बॉर्डर देना चाह रहे हैं, तो आप हाईलाइट करने के लिए अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें काफी सारे स्टाइल हैं। किसी भी स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कलर है, नो फेल करेंगे तो हाईलाइट खत्म हो जाएगा। मोर कलर पे क्लिक करें तो इसमें दो ऑप्शन और हैं, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। आप कस्टम कलर देना चाहते हैं कस्टम दे सकते हैं, और स्टैंडर्ड देना चाह रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड कलर दे सकते हैं। इसी तरह फंड का स्टाइल चेंज कर, फंड का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप फंड का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर दे सकते हैं यहाँ देना चाहिए दे सकते हैं। और इसी तरह मोर कलर में इसके भी दो कलर ऑप्शन है, इनमें से आप कोई भी कलर देख सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। कलर को आपने जस्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करता हूँ, कलर को सिलेक्ट करके मैंने ओके करना है तो वो वाला कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने फंड कलर नहीं देना, इस पर क्लिक करके आप नो कलर पे क्लिक करें या ऑटोमेटिक पे क्लिक करें तो ब्लैक कलर इस पर ऑटो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसका प्रीव्यू देखें तो इसमें बेसिकली बॉर्डर नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और प्रिंट में ले जाके आपको मैं इसका प्रीव्यू बताता हूँ, तो प्रीव्यू में देखें तो इसके साथ कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, बॉर्डर मीन इसके साथ जो आपके पास नॉर्मल एक्सेल में आपके पास ये जो बॉर्डर होते हैं ये नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रोज कॉलम को डिवाइड करने के लिए होते हैं, ये आपके पास प्रिंट में नहीं आते। तो प्रिंट में इनको बॉर्डर्स को लाने के लिए आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहां से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं,
सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे बॉर्डर है। अब बॉर्डर में आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें तो इन सब पे बॉर्डर लग जाएंगे। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इन पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब जाके अगर आप देखते हैं अपने जो है तो फाइल में जाते हैं और फाइल में जाके आप प्रिंट में जाके देखें, जब आप प्रिंट करेंगे तो उसमें इस तरह बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। देखें इन पे बॉर्डर भी अप्लाई हो चुके हैं, आप इस तरह बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर को रिमूव करना है, खत्म करना है तो आप इसको यहां से सिलेक्ट करें टेक्स्ट को और यहां से बॉर्डर पे क्लिक करके आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। आप जस्ट इस टेक्स्ट को सिर्फ ऊपर वाले इस एरिया को बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे बॉर्डर आ जाएंगे। अब बॉर्डर में काफी सारे ऑप्शन है, अब बॉटम बॉर्डर में सिर्फ बॉटम में लाइन लाना चाहते हैं बॉटम में आ जाएगी, टॉप पे लाना चाहते हैं टॉप पे आ जाएगी, लेफ्ट पे राइट पे, इस तरह और भी देखें काफी सारे बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या है, थिक बॉटम बॉर्डर है, थिक आ जाएगी बॉटम बॉर्डर की लाइन जो है टॉप। अब यहाँ पे देखें और भी स्टाइल है, इसी तरह ड्रॉ बॉर्डर है, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है, बॉर्डर को अरेज करना चाहते हैं अरेज कर सकते हैं, बॉर्डर की जो लाइन है उसका कलर चेंज करना है लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं और लाइन का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस एरिया को बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस एरिया को बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले मैं बॉर्डर चूज करता हूँ कौन सा, काफी सारे ऑप्शन है आप एक एक करके सबको अप्लाई कर ले, तो मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ बॉर्डर इस पर अप्लाई हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ और ड्रॉ बॉर्डर में क्या कि आप क्लिक करके आप खुद अपनी मर्जी से पेंसिल आ जाएगी आपके पास, उसकी मदद से आप अपने बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बॉर्डर ड्रॉ कर लिया, इसी तरह मैं यहाँ से यहाँ तक एक और बॉर्डर ड्रॉ करता हूँ। देखिए आप अपनी मर्जी से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे पेंसिल की मदद से, और जो बॉर्डर आपने ड्रॉ किया हुआ होगा उस बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है उसके लिए आप बॉर्डर में जाएं और ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है इस पर भी क्लिक करके आप ग्रिड की मदद से बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें ये मेरे पास ग्रिड आ गया और ग्रिड की मदद से क्या है कि मैं जस्ट जिस जिस एरिया को सिलेक्ट करता रहूंगा देखें वो एरिया पे बॉर्डर अप्लाई होता जाएगा, देख सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो बॉर्डर ऐड है इसका कलर चेंज करना है, इसको बॉर्डर को अरेज करना है तो अरेज पे क्लिक करें, जहां जहां पे बॉर्डर है आप उसको सिलेक्ट करते जाएं, देखिए वो अरेज होता जा रहा है। अरेज हो गया, इसको भी अरेज करना है, अरेज हो गया, तो बॉर्डर कैसे अरेज भी कर सकते हैं। इस तरह आप यहाँ पे क्लिक करें तो लाइन कलर है, आप लाइन का कलर बॉर्डर का लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लाइन कलर चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने बॉर्डर को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आपने लाइन कलर चेंज करना है, बॉर्डर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके आपने लाइन कलर चेंज करना है बॉर्डर का, तो आप यहाँ से क्लिक करें और लाइन कलर पर क्लिक करके आप रेड लाइन देना चाहते हैं क्लिक करेंगे रेड लाइन आ जाएगी, और उसके लिए आपने क्या करना है लाइन को ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है रेड लाइन आ गई। इसी तरह बॉर्डर के स्टाइल में लाइन का स्टाइल है, आप यहाँ से डबल लाइन लेना चाहते हैं डबल लाइन सिलेक्ट करें और इसके ऊपर ड्रैग करें, और भी इस तरह स्टाइल है काफी सारे स्टाइल हैं, आप यहाँ से लाइन के स्टाइल है उस पर मोर बॉर्डर पे क्लिक करें तो काफी सारे और भी ऑप्शन है बॉर्डर के। अब बॉर्डर जो है तो ये फॉर्मेट सेल में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बॉर्डर है बॉर्डर में देखें आप यहाँ से बॉर्डर की टॉप वाला एरिया आ गया इस पर क्लिक करेंगे टॉप रो की रिमूव हो जाएगी, सेंटर वाली रो रिमूव करना चाहते हैं क्लिक करेंगे सेंटर वाली रो रिमूव हो जाएगी, बॉटम बॉटम वाली हो जाएगी, इसी तरह सिर्फ ये रो रखना चाहते हैं रख के आप ओके करेंगे सिर्फ ये रो आ जाएंगी, आप आउटलाइन पे करते हैं सिर्फ बाहर वाली रो आ जाएंगी, इनसाइड करते हैं सारी रो आ जाएंगी, एनसाइड से सेंटर वाली रो को रिमूव करना चाहते हैं रिमूव हो जाएगी, आप कलर इसका ऑटोमेटिक रखना चाह रहे हैं आप ऑटोमेटिक ब्लैक कलर आ जाएगा, आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं आप स्टाइल चेंज हो जाएगा, तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली रो आ गई इसमें बॉर्डर वाली, तो आप ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। रिमूव करना है बॉर्डर को तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जाएं और यहाँ से रेजर पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको रिमूव कर दें। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने बॉर्डर हाईलाइट और टेक्स्ट के ऊपर काम किया, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम अलाइनमेंट के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।